तक आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी जिसमें किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ के वापस इंडिया लाते हैं या फिर उसको मार देते हैं, इस टाइप के मिशंस आपने देखे होंगे। लेकिन अभी एक नई मूवी आई है जिसका नाम है क्रू, और उसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भाग जाते हैं पैसा लेके गवर्नमेंट का मार के या बैंकों का मार के, उनको पकड़ के लाने की एक स्टोरी लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। पहली चीज़, ये स्टोरी थोड़ी बहुत किंगफिशर और विजय माल्या से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसमें जो एयरलाइन है उसका नाम कोहिनूर है और जो मालिक उसका दिखाया गया उसका नाम विजय वाल्या है। विजय माल्या के बदले तो उन्होंने, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ रिजेम्बलेंस रखा है, और वैसा ही कुछ दिखाया कि कैसे वो अपनी एयरलाइन चलती है, फिर वो एयरलाइन बंद होती है, और उसके बाद का पूरी स्टोरी उन्होंने दिखाई कैसे उसको लोग पकड़ के लेके आते हैं। पहली चीज़ इस मूवी का सबसे अच्छा मुझे लगा जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था। ये चीज़ अभी तक हम लोगों ने बॉलीवुड में नहीं देखी थी, और पूरी वुमेन सेंट्रिक मूवी है। पहली बात है कि तीन एक्ट्रेस लीड रोल में हैं और बाकी के सपोर्टिंग रोल में जो मेल एक्टर है। ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट मुझे लगा, और जिस हिसाब से इसको एग्जीक्यूट किया गया वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। इसके डायरेक्शन की बात करें तो राजेश कृष्णन ने इसका डायरेक्शन किया है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर और इम्प्रूव करते तो ये एक मस्ट वॉच की कैटेगरी में जाने वाली मूवी थी, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट था, फ्रेश कॉन्सेप्ट। आपको पसंद आता है कि कुछ नया हटके देखें, तो वो चीज़ इसमें थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट, निधि मेहरा और मेहुल सूरी इन दो लोगों ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, और मैं तारीफ करूंगा, अच्छा टॉपिक पिक किया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें थी जहाँ पे जैसे राजेश शर्मा का कैसे प्लान में इन्वॉल्व होना बहुत जल्दी, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा सा कसते तो थोड़ी सी और ये अच्छी मूवी बन सकती थी। बात करते हैं परफॉर्मेंस, तो तब्बू मुझे लग रहा है कि वो नई लेडी सुपरस्टार हैं, क्योंकि उनकी बैक टू बैक कोविड के बाद मूवीज़ हिट हो रही हैं, काफ़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है, जिस हिसाब से उनका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनकी उस हिसाब से बेहतरीन परफॉर्मेंस। उसके अलावा करीना कपूर जैस्मिन के रोल में बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो थोड़ा चुलबुलापन चाहिए होता है उस टाइप का, वो चीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्प्ले की। इसके अलावा बात करते हैं कीर्ति, जो हर चीज़ को फेक करती हैं इस मूवी में, और मुझे लग रहा है कि कीर्ति का सिलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा से वो एक टाइप की रोल एक टाइप की मूवीज़ नहीं करना चाहती हैं, बहुत बदल बदल के करती हैं, लेकिन उनकी थोड़ी किस्मत ख़राब रही कि उनकी मूवीज़ बहुत फ्लॉप हुई। हाल में तेरी बातों में उलझा जिया हिट हुई, फाइनली कुछ उन्होंने डिफरेंट किया था और वो मूवी हिट हुई, और ये मूवी मुझे लग रहा है कि ज़रूर हिट होगी बॉक्स ऑफिस पे। इसके अलावा दो तीन सपोर्टिंग रोल थे जिनकी मैं बात कर लेता हूँ, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, इसके अलावा राजेश शर्मा और शाश्वता चटर्जी। इन लोगों की परफॉर्मेंस मुझे बहुत उम्दा लगी, छोटा रोल था लेकिन एक इम्पैक्ट था परफॉर्मेंस में। इसके अलावा बात कर लेते हैं म्यूज़िक, तो म्यूज़िक कई लोगों का म्यूज़िक था, खुद दिलजीत थे, बादशाह थे, और म्यूज़िक में दो गाने जो रीमेक किए गए, एक तो चोली के पीछे क्या है और दूसरा दिल्ली शहर, ये दोनों गाने अच्छे लगते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को कुछ नए गाने लेके आने की जरूरत है, एक गाना था जो थोड़ा सा हटके था, नया था, वो आपको अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है कि म्यूज़िक वाले डिपार्टमेंट ऑल्दो अच्छा लगेगा रीमेक के बाद भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ नए और फ्रेश गाने आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस की, तो इस मूवी ने तीनों दिन फ्राइडे सैटरडे संडे 10 10 11 11 करोड़ रुपए कमाए, और कुछ 33 34 करोड़ रुपए वीकेंड में, और फिर मंडे को 4 करोड़ के लगभग। तो मुझे लग रहा कि ट्रेंड बहुत ठीक है। ये मूवी अर्बन सेंट्रिक मूवी है, तो लोग इसको मल्टीप्लेक्सेस में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। इस हिसाब से मूवी अगर रन करती रही तो मुझे लग रहा है कि कुछ 70 75 करोड़ से लेके 90 100 करोड़ तक भी जा सकती है मूवी। ऑल्दो ईद पे जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान रिलीज होंगी तो फिर शोज कम होंगे, तो स्ट्रगल रहेगा, लेकिन फिर भी अभी इनके पास मुझे लग रहा है 1 वीक का टाइम और है सक्सेसफुल रन होने के लिए। फिर भी ये 60 70 करोड़ का तो टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव कर लेने चाहिए उस टाइम तक। बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से।